नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सूट बूट पहनकर धान काटने खेत पहुंचे डीएम, कहा विज्ञान आधारित खेती से होगा फायदा। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, डीएसपी के नेतृत्व में सुल्तानगंज में निकाला गया फ्लैग मार्च। टीएनबी कॉलेज प्राचार्य पद को लेकर नहीं थम रहा है विवाद, कुलपति ने कमेटी को किया भंग, छात्र राजद ने निकाला आक्रोश मार्च। भागलपुर पुलिस ने आधा दर्जन शराबी को किया गिरफ्तार, पुलिस के आते ही तस्कर हुआ फरार, शराब जब्त। और सीएम के जो पिएगा वो मरेगा वाले बयान पर पीके ने कसा तंज, कहा मुझे अफसोस है मैं उनके साथ था। और अब समाचार विस्तार से। बिहार के भागलपुर जिले के डीएम सुब्रत कुमार सेन शुक्रवार को जगदीशपुर पहुंचे। यहां डीएम सूट बूट पहनकर हाथों में हंसिया लेकर खेत में अपने दलबल के साथ गए और धान काटकर क्रॉप कटिंग की शुरुआत की। वही डीएम को हाथ में हंसिया लेकर खुद से धान काटता देख लोग हैरान हो गए। इस दौरान डीएम के साथ जिले और प्रखंड के कई अधिकारी मौजूद रहे। वही जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि आप नई तकनीक से खेती करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने बताया कि विज्ञान आधारित खेती से किसानों के घर में खुशहाली वापस लौटेगी। डीएम ने कहा कि अगर किसान नई और वैज्ञानिक मान्यताओं के साथ खेती करेंगे तो कम लागत में वे अधिक मुनाफा कमाएंगे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने सिंचाई की समस्या को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि चांदन नदी से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रही है, जबकि चांदन नदी के पानी से ही जिस खेत में सिंचाई की जाती है उस कतरनी धान की खुशबू होती है। इस पर डीएम ने कहा कि चांदन नदी में चेक डैम बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, साथ ही चांदन नदी से जो डाढ़ निकालकर खेतों तक पहुंचती है उसकी मरम्मत एवं जनोद्धार को लेकर मनरेगा के पीओ को शीघ्र कार्य करने का आदेश दिया गया है। हम लोगों का प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चय है कि हर खेत तक पानी पहुंचे, और इसके लिए अगले 2-3 साल में बहुत तेज गति से काम होने वाला है और इससे फसल की उत्पादकता भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ किसानों को भी बहुत जो है ये फायदा पहुंचाएगा। तो इस बार तो है जैसा हम लोग देख रहे हैं कि इस बार उत्पादकता कम है, जो फसल कटनी के प्रयोग से जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर आगे नीति बनाने में। और दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट लाभ है वो है फसल सहायता योजना, जिसमें उत्पादकता घटने पर सहकारिता विभाग से इमीडिएट लाभ जो है वो अगले 3 से 6 महीने में किसानों को मिलता है। उसमें किसान आवेदन करते हैं पोर्टल पर सहकारिता विभाग से, और इसके आधार पर कई अन्य जो है पॉलिसी लेवल के डिसीजन भी होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा है और इसका आंकड़ा जो है वो आप लोगों से हम लोग एक आधार में शेयर कर देंगे कि क्या एवरेज उत्पादकता रही है। चूँकि चांदन नदी में डैम वगैरह बनाने की बात है तो उसमें हम लोग सरकार को, विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे। उच्च स्तर पर निर्णय होना है, जो जिला स्तर पर हम लोगों के लेवल पर होना है, जो डाढ़ यहाँ पर है, जो सिंचाई का स्रोत है, उसमें मैंने मनरेगा के पीओ को बोला है कि वो देख लें जहाँ मरम्मती की आवश्यकता हो, जहाँ जीर्णोद्धार की आवश्यकता हो, उसको हम लोग अगले महीने शुरू करा देंगे। उस संबंध में डीडीसी को भी इसके पर्यवेक्षण के लिए इसको बोला जाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज में आगामी 18 दिसंबर को होने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। चुनाव शांतिपूर्ण हो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में गुरुवार की शाम भारी संख्या में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें कि सुल्तानगंज में 18 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर से तैयारी की जा रही है। वही नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्ड एवं चौक चौराहों पर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार की मौजूदगी में सर्कल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार और बजरा दल के प्रभारी सूरज कुमार ने अब्जुगंज, शाहबाद चौक सहित अन्य वार्ड में फ्लैग मार्च करते हुए भयमुक्त मतदान करने की लोगों से अपील की। इस दौरान डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि 18 दिसंबर के चुनाव को लेकर नगर परिषद सुल्तानगंज में 64 बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों पर
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और किसी भी सूरत में अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। डीएसपी ने सभी मतदाता से निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात कही। साथ ही कहा कि मतदान के दौरान सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो इसकी सूचना दे। फ्लैग मार्च में विभिन्न थानों की पुलिस मुस्तैद दिखी। अपना वोटिंग डाले यहाँ पे और प्रशासन जो है पूरा चुस्त है, दुरुस्त है और अतिरिक्त बल मजिस्ट्रेट हर एक बूथ पे है, सेक्टर में है, 28 सेक्टर जो है भूटान में बढ़ा गया है और निर्वाचन आयोग का जो भी दिशा निर्देश सब जो है पूरा कर लिया गया है और भयमुक्त होकर सब चुनाव योगदान दें। कोई भी अगर उपद्रव करता है और कोई भी गैर कानूनी काम करता है तो प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय काम से ज्यादा अपने कारनामे के लिए चर्चा में रहता है। ताजा मामला हैरान और परेशान करने वाला है। दरअसल टीएमबीयू के वरीय अधिकारी खूब कानूनी दाव पेच खेलते हैं ताकि उनके चहेते अपनी कुर्सी पर बने रहे। कई बार वे इसमें सफल भी हो जाते हैं लेकिन जब छात्रों का जन आक्रोश बढ़ जाता है तब उन्हें बैकफुट पर आना पड़ता है। इस दौरान पदाधिकारियों द्वारा किए गए एक से बढ़कर एक कारनामे भी सामने आते रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर टीएनबी कॉलेज प्राचार्य से जुड़ा है। वही प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठन यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कभी कमेटी के निर्णय तो कभी नियम परिनियम की दुहाई दे रहा है। इधर टीएनबी कॉलेज प्राचार्य पद के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक अपनी बात स्पष्ट नहीं की है जबकि डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का प्राचार्य के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। टीएनबी कॉलेज प्राचार्य पद के लिए दावा कर रहे शिक्षकों का कहना है कि डॉक्टर चौधरी का टर्म 5 दिसंबर को पूरा हो गया है। वही संजय चौधरी को एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं ये तय करने के लिए जो विवादित कमेटी कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बनाई थी बताया जा रहा है कि अब उसे भी भंग कर दिया गया है। इसके पूर्व कमेटी के सदस्य रहे रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार और डॉक्टर पवन कुमार सिन्हा ने कमेटी से नाम वापस ले लिया था। वही रजिस्ट्रार के कमेटी से नाम वापस लेने पर कुलपति ने जेपी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को इसका मेंबर बनाया था। बताया जा रहा है कि राजभवन के हस्तक्षेप के बाद कमेटी भंग की गई है। शुक्रवार को छात्र राजद ने एक बार फिर टीएनबी कॉलेज के प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। टीएनबी कॉलेज स्टेडियम से छात्र राजद कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तक आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान संगठन से जुड़े नेताओं ने प्रचार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र राजद के जिलाध्यक्ष राजा राधिका रमन ने बताया कि संजय चौधरी पर पूर्व में भी वित्तीय अनियमितता के आरोप लग चुके हैं जबकि छात्र नेता उमरताज ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी उन्हें क्लीन चीट देने की कवायद में लगे हैं जिसमें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आक्रोश मार्च में शामिल छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन डॉक्टर चौधरी को एक बार फिर से एक्सटेंशन देकर प्राचार्य बनाने की कवायद में लगा है जिसका विरोध जारी रहेगा। छात्रों ने चेतावनी दी कि जल्द अगर उन्हें पद से नहीं हटाया गया तो विश्वविद्यालय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन संजय चौधरी को बचाना चाह रही है, कमेटी बना करके उनको फिर से भ्रष्टाचारियों को बिहार के वैसे महाविद्यालयों में फिर से 5 साल उनको दिया जा रहा है जिससे कि और अधिक से अधिक वो भ्रष्टाचार कर सके। और आगे आगे आंदोलन क्या कीजिएगा? आगे हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और अगला आंदोलन हम लोग बताएंगे, अगला कार्यक्रम हम लोग का क्या होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है और ये शर्म की बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन बिहार के ऐसे कॉलेजेस के प्राचार्य को भ्रष्टाचार में जो संलिप्त हैं जिसका एक मान सम्मान है टीएनबी कॉलेज का पूरे राज्य में, वैसे कॉलेजेस का आज विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचार में आग में डालकर मखौल उड़ा रही है। इस बात से कि विगत 7 दिसंबर से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि 6 दिसंबर को टीएनबी कॉलेज के निवर्तमान प्राचार्य श्री संजय चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है लेकिन उसके बाद भी उनके कई आरोप हैं, सिर्फ आरोप हैं ही नहीं वो सिद्ध आरोप हैं जिनमें रिपोर्ट कमेटियों ने रिपोर्ट दिया कि सही है, आरोपी दोषी पाया गया है। वैसे व्यक्तियों को ये विश्वविद्यालय प्रशासन एक ढोंगी कमेटी बनाकर
जिससे पैसे की माला माल हो सके, वैसी कमेटी बनाकर उसे 5 साल का और एक्सटेंशन देने की बात कर रही है। यह शर्म की बात है कि जिन्होंने जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप हों, वित्तीय अनियमितता जैसे गंभीर आरोप हो, उनको फिर से एक्सटेंशन देकर क्या साबित किया जा रहा है। बस हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने बहरेपन को खोले कान और सुने हम लोगों का दर्द, TNV कॉलेज के स्टाफों का तकलीफ सुने कि वहाँ त्रस्त हैं स्टाफ। आज पिछले 10 दिनों से विश्वविद्यालय TNV कॉलेज में प्राचार्य नहीं है, वहाँ का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। TNV कॉलेज में अविलंब नए प्राचार्य का प्रभार दिया जाना चाहिए। बिहार में जहरीली शराब से हो रहे मौतों के आंकड़े को देखते हुए शराबबंदी कानून को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सूबे में शराबबंदी कानून को विफल बताते हुए इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस के लाख सख्ती के बावजूद लोग बेखौफ होकर शराब तस्करी और इसकी बिक्री कर रहे हैं। ताजा मामला नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ मधुसूदनपुर पुलिस ने बीते गुरुवार की देर शाम इलाके के महमदपुर गांव से 6 शराबी और करेला चौक स्थित एक तस्कर के घर से 10 लीटर देशी शराब बरामद किया है, जबकि शराब तस्कर मौके से पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। मामले पर मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज महेश कुमार ने बताया कि देर शाम करेला चौक स्थित राजेश ताती के घर से 10 लीटर देशी शराब बरामद किया गया है। साथ ही तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वही महमदपुर गाँव से 6 शराबी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार शराबी की पहचान महमदपुर निवासी अनिल पासवान, सुधीर चौधरी, मोहनपुर नरगा निवासी संतोष शर्मा, मधुसूदनपुर गौ निवासी राजू मंडल, नूरपुर निवासी राजेश कुमार शर्मा और रामपुर खुर्द निवासी कुंदन कुमार मंडल के रूप में किया है। जन सुराज पद यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण के शिवहर जाने के क्रम में प्रशांत किशोर ने जिहुली उत्तरी पंचायत में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर शराबबंदी कानून को लेकर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि महिलाओं ने उन्हें वोट दिया है, इसलिए वे शराबबंदी लागू कर रहे हैं। साथ ही बताया कि आज राज्यों में आपको शराब की दुकान तो नजर नहीं आएंगी, लेकिन हर जगह होम डिलीवरी करता हुआ कोई न कोई नजर आ जाएगा। प्रशांत ने कहा कि अभी छपरा में 40 मौत हो गई है और वो बोल रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। आज उनका ये अहंकार इस बात से आ रहा है कि वे जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों के अंदर से डर खत्म हो गया है कि काम नहीं करेंगे तो बिहार के लोग उन्हें वोट नहीं देंगे और वे चुनाव हार जाएंगे। नीतीश जी मुख्यमंत्री भैलन तो कहलन कि हमरा के सब लोग महिला लोग वोट दे ले बा, हम बिहार में लागू करब शराबबंदी। तो हो गए लागू शराबबंदी बिहार में, बिहार में शराबबंदी लागू भइल बा। ये नीतीश कुमार का शराबबंदी है जिसमें उन्होंने कहा कि शराब का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। ये नीतीश कुमार का शराबबंदी है, शराब के दुकान बंद बा, होम डिलीवरी चालू हो गई। अभी देखा था नहीं कि 2 दिन पहले अकारण 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई छपरा में। मुख्यमंत्री कह रहे कि जे पीही उ मरी, अरे भाई जे पीही उ मरी आ तहार काम का बा, तू ऐसा शराब बेचवाई बा अपना राज्य में शराबबंदी के नाम पर। ये जो अहंकार है, ये जो दृढ़ता है, ये नेताओं में कहां से आता है? ये आ रहा है बिहार में इस बात से कि जन प्रतिनिधियों के मन से ये डर खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। बिहार के बदहाली का जो मेन कारण है कि जो यहाँ पर नेता है, विधायक MP है, वो जान रहा है कि हम काम करी चाहे ना, जनता हमरे के वोट दी ही। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
भागलपुर माउंट जीओन प्लस टू एकेडमी की ओर से 4 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर छात्र छात्राओं को ले जाया गया। इस दौरान प्लस टू एकेडमी के शिक्षकों ने स्टूडेंट को सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के आकर्षक स्थलों को दिखाया। साथ ही छात्र छात्राओं ने रानी पुल के पश्चिम में स्थित कंचनजंगा शिखर के संपूर्ण श्रृंखला का अवलोकन किया। वही गैंगटॉक के प्राचीन मंदिर, महल और मठ का भी सैर किया गया। शैक्षणिक भ्रमण की गतिविधियों से छात्र छात्राओं में काफी प्रसन्नता देखी गई। कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य भूमिका चेयरमैन विष्णु सलेमपुरिया, निदेशक रवि प्रधान, मैनेजिंग डायरेक्टर सह प्रिंसिपल विनीत अग्रवाल, शिक्षक कृष्ण मोहन पांडे, कमलेश चौबे, जिशान अहमद की अहम भूमिका रही। इधर MD विनीत अग्रवाल ने बताया कि माउंट जीओन स्कूल प्रबंधन द्वारा हर साल विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर शहर दूसरे शहर ले जाया जाता रहा है, ताकि विद्यार्थी अन्य शहरों का ऐतिहासिक महत्व और वहां की संस्कृति से रूबरू हो सके। उन्होंने कहा कि नजदीक से देखने के कारण विद्यार्थियों के स्मृति पटल पर भी भ्रमण के दौरान मिलने वाली जानकारी बनी रहती है, जिससे भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान यह काम आती है। साथ ही उनका सर्वांगीण विकास होता है। मुंगेर मिर्जा चौकी फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बाईपास पैकेज 3 में जीछो से रसलपुर एकचौरी तक इनलाइटमेंट का भागलपुर DM सुब्रत कुमार सेन ने निरीक्षण किया। मौके पर DDC कुमार अनुराग समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इस परियोजना के तहत अब तक रैयतों को 550 करोड़ मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। बताया गया कि 89 मौजों में अधियाची विभाग को दखल कब्जा दिलाया जा चुका है। DM ने बताया कि फोरलेन का काम तेज गति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगले साल के जून माह तक फेज 3 के भागलपुर से रसलपुर तक 2 लेन सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। वही निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लैलक और शंकरपुर कोदवार में रैयतों को मुआवजा भुगतान किए जाने के बाद भी खाली नहीं किया गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने प्रखंड कार्यालय स्थित जीविका द्वारा संचालित मेगा मार्ट दुकान का भी निरीक्षण किया। मौके पर DM ने जीविका के पदाधिकारियों और जीविका दीदियों से आवश्यक जानकारी ली। और इसी का परिणाम है कि आज हम लोग भागलपुर से उस अलाइनमेंट पे सुल्तानगंज भी पहुंच जा रहे हैं और आज उसी अलाइनमेंट से हम लोग चल करके कहलगांव भी आए। मृत पंचायती का मृत पंचायती वाले में देखिए उसमें समझना होगा, उसमें कुछ जैसे लैलक है सबौर में या शंकरपुर कोदवार है, वहाँ पे जो है कुछ रैयतों ने बताया कि उनको भुगतान नहीं हुआ है, मतलब बहुत कम रैयत है। पिरपैती प्रखंड अंतर्गत हरीन कॉल पंचायत के बसंतपुर और कुंजवन्ना मध्य विद्यालय में पिछले 8 दिनों से चावल की आपूर्ति के अभाव में मध्यान्ह भोजन बच्चों को नहीं मिल रही है, जिसको लेकर हरीन कॉल मुखिया दीपक सिंह के द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर अनियमितता के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने जल्द से जल्द चावल की आपूर्ति कर मिड डे मील को सुचारू रूप से चालू करने की मांग की। वही इसको लेकर शिक्षिका रेवती रानी ने बताया कि मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति 8 दिनों से नहीं की गई है, जिससे बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जा रही है। उनके आदेश मिलते ही पुनः सुचारू रूप से बच्चों को भोजन चालू कर दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन में मीरा देवी, रूपा देवी, पूनम देवी, मनोज ताती, रोहित ताती, रामदेव ताती सहित सैकड़ों की संख्या में बच्चों के अभिभावक शामिल थे। खाना सब बच्चा फेंकी दे। गुरुवार तक तो भोजन बना है, शुक्रवार से भोजन बंद है। क्या समस्या है? कितना दिनों से बंद? आज शुक्रवार है, शुक्रवार है और शुक्रवार से बंद, शुक्रवार से 8 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, चावल नहीं है मेरे स्टॉक। यह धरना प्रदर्शन पिछले 1 सप्ताह से मेरे पंचायत हरिनकोल के 2 स्कूलों में, कुछ वन्ना मध्य विद्यालय व बसंतपुर मध्य विद्यालय में MDM नहीं बन रहा है। 1 हफ्ता पहले मैं निरीक्षण करने गया था तो हेडमास्टर, दोनों हेडमास्टर लोगों ने बताया कि चावल 0 हो गया है, मतलब जो सरकार चावल का आवंटन करती है वह 0 हो गया है। स्टॉक में चावल नहीं होने की वजह से 1 सप्ताह से भोजन MDM नहीं बन रहा है। इसी के विरोध में कि जल्द से जल्द चावल को आवंटित किया जाए। इस तरह से बच्चों को जबरन भूखा रखना, उनको कुपोषण का शिकार बनाना बिल्कुल भी जो है न्यायोचित नहीं है। बच्चे बीमार पड़ेंगे, कुपोषित होंगे, सरकार का करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, मगर लापरवाही और कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण यह समय से चावल आपूर्ति नहीं की जाती है। यह बार बार ऐसा होता है। अभी पिरपैती के 40 स्कूलों में औसत अगर 300-400 बच्चे एक स्कूल में भी माने तो 15-16 हज़ार बच्चे प्रतिदिन
एमडीएम से वंचित रह रहे हैं। कोई बांका के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत भागलपुर हंसडिया सड़क मार्ग के समीप मौसी की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सुहानी निवासी ठेला चालक महेश पासवान को टक्कर मार दी। बताया गया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ठेला चालक कुछ दूरी पर जा गिरा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में महेश पासवान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा उपचार करने के बाद ठेला चालक की काफी गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर के मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। भागलपुर ले जाने के दौरान रास्ते में ही ठेला चालक की मौत हो गई। इसके बाद मृतक का शव प्रजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। पापा है मेरा। कैसे हुआ था घटना? पता नहीं, हम तो पेंट करने गए थे, पापा गांव में दोनों बाप बेटा घर से गाना गा के लिखने थे। आप कहां पे हुआ? ये हुआ मुसिया बाजार एचजीबी के पास। अच्छा, कहां से आ रहे थे? सामान लोड करके पुंसिया से जा रहा था। संजीवनी गंगा मिशन और मीडिया ग्रुप पिरपैती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नीम कॉरिडोर जागरूकता अभियान का शुभारंभ गुरुवार को प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्राथमिक विद्यालय से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर चंदन कुमार चक्रवर्ती, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी दीपशिका कुमारी, कार्यक्रम प्रभारी अरविंद साह, कार्यक्रम अध्यक्ष धनश्याम दास ने संयुक्त रूप से पंछी को पिंजरे से आजाद कर किया। इस दौरान विद्यालय परिसर में कार्यक्रम को परिलक्षित कर नीम का पौधा लगाकर उसे संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के इस जागरूकता अभियान में पंछियों को आजाद करने की जो अंतर्मन इच्छा है, वह इसका नैतिक समर्थन करते हैं। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि प्रकृति और इस पर निर्भर सभी जीव जंतुओं को बचाने के लिए हमें जागरूक होकर कार्य करना चाहिए। साथ ही प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी दीपशिका कुमारी ने कहा कि विद्यालय में अन्य विषयों के अलावे पर्यावरण संरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दों की पढ़ाई भी होनी चाहिए। इस अवसर पर मुखिया महादेव मंडल समेत विद्यालय के सभी शिक्षिका और बच्चे उपस्थित रहे। बहुत ही अच्छा कदम है और अच्छा पहल है संजीवनी गंगा और प्रेस मीडिया के संयुक्त माध्यम से। तो इसके माध्यम से सभी पंचायतों में स्कूल प्रांगण में तरह तरह की पेंटिंग्स पर्यावरण के से बनाई जाएंगी बच्चों को सीख देने के लिए। हम देखते हैं कि स्कूलों में बाकी सभी स्कूलों में जो भी प्राइवेट स्कूल हैं सीबीएसई आईएसई के, तो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट सब्जेक्ट होता है, बट हमारे प्राथमिक विद्यालयों में गवर्नमेंट स्कूल है हमारे बिहार में, तो उसमें एक इन्वायरमेंट सब्जेक्ट नहीं होता है, जो कि बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, इसको होना चाहिए। और ये मैं कहना चाहूँगी कि ये जो पहल, इसके माध्यम से जो बच्चों में सीख डेवलप होगी एनवायरनमेंट को हमें बचाने के लिए, संरक्षण देने के लिए, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। भागलपुर रंग महोत्सव को लेकर गुरुवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के विवरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि 17 दिसंबर को महोत्सव का उद्घाटन होगा, साथ ही लोक नृत्य एवं नाट्य प्रस्तुति होगी। वहीं 18 दिसंबर को नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की जाएगी एवं लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य नाट्य प्रस्तुत होंगे, जबकि 19 दिसंबर को रंग जुलूस का शहर भ्रमण कराया जाएगा। फिर नाट्य प्रस्तुति होकर राष्ट्रीय सम्मान समारोह एवं का वितरण समारोह होगा। कार्यक्रम के आयोजक के रूप में रंगराम जन सांस्कृतिक मंच के द्वारा भागलपुर में बिहार से आए कलाकारों के ठहरने एवं खाने पीने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि रंग महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, इसमें जो पूरे देश भर की संस्कृति जो प्रदर्शित हो रही है, उस संस्कृति को लोग देखे और देख कर सीखे कि भाई हमारी संस्कृति क्या है, और साथ ही आज वैश्वीकरण का जो दौर चल रहा है, लगातार नीति नैतिकता खास करके युवाओं में जो मानवीय मूल्यबोध में जो गिरावट आ रही है और जो आदमी के अंदर जो भाव का जो तरंग है वो सिमटता जा रहा है, और रंग कर्म ही एक ऐसा माध्यम है जो रस संचरण के माध्यम से आदमी की मनोस्थिति को बदल सकता है। भागलपुर के सैंडस कंपाउंड में शुरू हुए तरंग प्रतियोगिता स्थल के बाहर शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर कार्यरत शिक्षकों ने वेतन नहीं मिलने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल पिछले 7 माह से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है, जिसके लिए पटना से भागलपुर तक सभी अधिकारियों और उप मुख्यमंत्री तक को इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही रजनीश ने पूर्णकालिक नियुक्ति देने एवं वेतन में भी बढ़ोतरी करने की मांग की, साथ ही
कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वे लोग भी बिहार में शराब बेचने का काम करेंगे। सर, हम लोगों का मांग है कि हम लोग शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक हैं और आज विगत 6-7 महीनों से हम लोगों का वेतन नहीं मिला है और सभी इसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी ग्रेजुएट हैं और बीपीएड किए हुए हैं। शारीरिक शिक्षा जो परीक्षा होती है स्टेट की, वो स्टेट क्वालिफाई हैं। उसके बाद भी सरकार ने जो हमारा वेतन निर्धारित किया है, बहुत ही शर्म की बात है कि केवल 8,000 निर्धारण हम लोगों का किया गया है, उसमें भी अंशकालिक हम लोगों को रख दिया गया है, जो कि सेम यही डिग्री लेकर के आज पुराने जो शिक्षक हैं उन्हें 40,000 वेतन मिल रहा है और आज हम वही डिग्री लेकर के आए हैं और हमें मात्र 8,000 वेतन दिया जा रहा है, उसमें भी 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सूट बूट पहनकर धान काटने खेत पहुंचे डीएम, कहा विज्ञान आधारित खेती से होगा फायदा। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, डीएसपी के नेतृत्व में सुल्तानगंज में निकाला गया फ्लैग मार्च। टीएनबी कॉलेज प्रचार पद को लेकर नहीं थम रहा है विवाद, कुलपति ने कमेटी को किया भंग, छात्र राजद ने निकाला आक्रोश मार्च। भागलपुर पुलिस ने आधा दर्जन शराबी को किया गिरफ्तार, पुलिस के आते ही तस्कर हुआ फरार, शराब जब्त। और सीएम के जो पिएगा वो मरेगा वाले बयान पर पीके ने कसा तंज, कहा मुझे अफसोस है मैं उनके साथ था। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।